फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो शेड्यूल कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, कौन कौन से शेड्यूल्स हैं जिनके थ्रू हम ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, मेडिसिन या फिर मेडिकेशन जिसको बोलते हैं कॉमनली। सो मेडिसिन या फिर ड्रग्स को कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से शेड्यूल्स अवेलेबल हैं। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बनाया गया था बाय द इंडियन पार्लियामेंट। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को डीएमसी एक्ट भी बोलते हैं। डीएमसी एक्ट के अंडर हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपोर्ट को कंट्रोल करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं। सो डीएमसी एक्ट 1940 के बेसिस पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स बने थे 1945 में बाय द इंडियन पार्लियामेंट अगेन। सो इंडिया में ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंडर कुछ शेड्यूल्स आते हैं। ये शेड्यूल्स क्या शो कर रहे हैं, ये शेड्यूल्स ड्रग्स की स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्प्ले और प्रिस्क्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। सो इन शेड्यूल्स में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के ड्रग डिफरेंट शेड्यूल्स के अंदर डाले गए हैं और ये शेड्यूल्स ड्रग्स की रेगुलेशन को, ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, इंपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करते हैं। सो वन बाय वन हम इन शेड्यूल्स को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट शेड्यूल आता है शेड्यूल ए। सो शेड्यूल ए में क्या आता है, फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ लेटर फॉर एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग एटसेट्रा। सो ए, शेड्यूल ए से आप ए फॉर एप्लीकेशन याद रख सकते हैं। सो जब भी कोई ड्रग बनाना होता है, सो ड्रग बनाने से पहले जो एजेंसीज हैं उनको लाइसेंस गेन करना पड़ता है। सो लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइसेंस गेन करने के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। सो जब हम एप्लीकेशन देते हैं लाइसेंस गेन करने के लिए, उस एप्लीकेशन के बहुत सारे फॉर्म्स और फॉर्मेट्स जो है लेटर लिखने के, वो अवेलेबल होते हैं। और ये फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ लेटर ये किस में आते हैं, शेड्यूल ए में। सो जो वेरियस फॉर्म्स और फॉर्मेट्स है लेटर लिखने के, किसके लिए, एप्लीकेशन के लिए, लाइसेंस गेन करने के लिए, वो किस में आते हैं, शेड्यूल ए में। नेक्स्ट आता है हमारा शेड्यूल बी। सो शेड्यूल बी में क्या आता है, एक बार लाइसेंस मिल गया देन ड्रग किसके लिए जाता है, जब ड्रग बन जाता है वो किसके लिए जाता है, टेस्ट और एनालिसिस के लिए। सो जब वो टेस्ट और एनालिसिस कौन करता है, जो गवर्नमेंट रन लैब्स होती हैं, जो गवर्नमेंट की लैब्स होती हैं उनमें ये टेस्ट और एनालिसिस होता है। और इस टेस्ट के लिए फिक्स फी स्ट्रक्चर होता है, फीस लगती है इस टेस्ट और एनालिसिस के लिए। सो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के लिए डिफरेंट फी स्ट्रक्चर होता है। सो शेड्यूल बी में आता है फी स्ट्रक्चर फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द गवर्नमेंट रन लैब्स। तो जो गवर्नमेंट रन लैब्स ने जो फी स्ट्रक्चर बनाया होता है डिफरेंट टेस्ट और एनालिसिस के लिए, वो आता है शेड्यूल बी में। देन आता है शेड्यूल सी। सो शेड्यूल सी में क्या आता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड इंट्रावेनस प्रोडक्ट्स। सो जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जो हमने प्लांट्स या फिर एनिमल से ऑब्टेंड किए हैं, वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट, और इंट्रावेनस प्रोडक्ट जो हम आईवी देते हैं, प्रोडक्ट्स पेरेंट्रल रूट से देते हैं, उनकी लिस्ट आती है शेड्यूल सी में। सो ये कौन कौन सी है, जैसे कि हमारी वैक्सीन हो गए, सीरा या सीरम हो गए, इंसुलिन हो गए, एंटीजन हो गए, एड्रिलिन हो गए। सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं किसमें आते हैं, शेड्यूल सी में। देन हमारा आता है शेड्यूल सी वन। सो सी वन में क्या आता है, इसमें जो शेड्यूल सी में आती है ड्रग्स वैसे ही है, बस इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो शेड्यूल सी वाले ही आएंगे, बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को हम इंट्रावेनसली नहीं दे सकते। सो शेड्यूल सी वन में वो प्रोडक्ट्स आएंगे जिनको हम इंट्रावेनसली नहीं दे सकते, द ड्रग्स विच आर नॉट टू बी गिवन बाय थ्रू इंट्रावेनस रूट। इसका एग्जाम्पल क्या आता है, जैसे हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हो गए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है डिजिटेलिस, एगोट डेरिवेटिव्स हो गए, हार्मोनल प्रिपरेशंस हो गई, जिसको हम आईवी रूट के थ्रू नहीं दे सकते। सो शेड्यूल सी और शेड्यूल सी वन जो भी ड्रग्स हैं, इनको सोल्ड करने के लिए, इनको सेल करने के लिए एक लाइसेंस होना चाहिए, स्पेशल लाइसेंस होना चाहिए जो भी इनको सेल कर रहा है, वेदर वो डॉक्टर है या फिर वो कोई फार्मासिस्ट है। सो स्पेशल लाइसेंस इसके लिए चाहिए होता है। देन हमारा आता है शेड्यूल डी ड्रग। सो शेड्यूल डी में क्या आता है, जब भी कोई ड्रग्स इंपोर्ट होते हैं, सो इंपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स के लिए स्पेशल गाइडलाइंस बनी होती हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बनी होती हैं, लेकिन जो ड्रग्स इन गाइडलाइंस से फ्री हैं, जिनको कोई रूल या रेगुलेशन फॉलो नहीं करना,
इंपोर्ट होने के लिए. सो लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड मतलब जो फ्री है रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्रॉम द प्रोविजन टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स. सो ड्रग्स के इंपोर्टेशन के लिए जिन ड्रग्स को कोई भी रूल या रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ता वो आती है शेड्यूल डी में. सो शेड्यूल डी में जो ड्रग्स आते हैं वो कौन से हैं, जो कि बल्क में आते हैं ये ड्रग्स, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, पाउडर मिल्क हो गया, कंडेंस मिल्क हो गया, जिंजर, सिनेमन, या फिर कुछ भी विटामिंस मिनरल्स हो गए. सो ये क्या आती है शेड्यूल डी में. सो ये बेसिकली मेडिसिनल यूज के लिए नहीं होते, मेडिसिन पर्पज के लिए नहीं होते, एंड ये बल्क में आते हैं. नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल ई. सो शेड्यूल ई क्या कंटेन करता है, वेरियस पॉइजंस एंड देयर रेगुलेशंस. सो पॉइजंस को सेल करने के लिए और पॉइजंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस में आती है, शेड्यूल ई में. देन हमारा आता है शेड्यूल एफ. शेड्यूल एफ क्या कंटेन करता है, शेड्यूल एफ कंटेन्स रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर रनिंग ब्लड बैंक. सो ब्लड बैंक को रन करने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स बने हैं वो किसके अंदर आते हैं, शेड्यूल एफ के अंदर. सो ब्लड बैंक में क्या होता है, ब्लड रिसीव होता है, डोनेट होता है. सो ब्लड को आगे पास करना, हॉस्पिटल्स को देना, डोनर को देना, सो ये सब जितने भी गाइडलाइंस हैं ब्लड बैंक को रन करने के लिए वो आती है शेड्यूल एफ में. देन शेड्यूल एफ के सब शेड्यूल्स हैं. फर्स्ट इज एफ वन. सो शेड्यूल एफ वन में क्या आता है, वैक्सीन. सो वैक्सीन्स के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स हैं वो आती हैं एफ वन के अंडर. देन आता है एफ टू. शेड्यूल एफ टू के अंडर क्या आता है, सर्जिकल ड्रेसिंग. सो सर्जिकल ड्रेसिंग को के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स बने हैं वो आते हैं एफ टू में. क्योंकि सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है, स्टेराइल ड्रेसिंग होती है, क्योंकि माइक्रोब्स के अंदर एंट्री होने के, सर्जिकल साइट से माइक्रोब्स के एंट्री होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो इसके लिए सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो आते हैं एफ टू में. देन आता है एफ थ्री. शेड्यूल एफ थ्री में क्या आता है, अम्बिलिकल टेप्स. सो अम्बिलिकल टेप्स के लिए जितने भी रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स हैं वो आते हैं एफ थ्री में. अम्बिलिकल टेप्स क्या होती है, जब भी न्यूबॉर्न बोर्न होता है तो मदर और न्यूबॉर्न के बीच में जो कनेक्शन है जिसके थ्रू मदर से बेबी में ब्लड जाता है वो जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू. सो अम्बिलिकल कॉर्ड जब कट करते हैं, उसको सर्जिकली कट किया जाता है, तब उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. सो ब्लड लॉस ना हो उसके लिए अम्बिलिकल टेप्स लगाई जाती हैं. अम्बिलिकल टेप्स इस पर्पस के लिए भी यूज होती हैं और जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें ब्लड लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, कैथेटराइजेशन या फिर और आर्टरी या वेन्स पर भी अम्बिलिकल टेप्स अप्लाई की जाती है. सो इनको अम्बिलिकल टेप्स के लिए जो रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो आते हैं शेड्यूल एफ थ्री में. देन हमारा शेड्यूल आता है एफ एफ. सो शेड्यूल एफ एफ किसके लिए है, ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स एंड सॉल्यूशन. सो जो भी आईज में डालने वाले सॉल्यूशंस एंड ऑइंटमेंट्स होते हैं उसके लिए जो रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड है वो आते हैं शेड्यूल एफ एफ में. देन हमारा आता है शेड्यूल जी. सो शेड्यूल जी में कौन से ड्रग्स आते हैं, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड लेबल्ड अकॉर्डिंगली. सो जो सब्सटेंसेस हम जस्ट मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही ले सकते हैं, हमें डॉक्टर की सुपरविजन चाहिए उन सब्सटेंसेस को, उन ड्रग्स को लेने के लिए, एंड इन ड्रग्स पर लेबल भी लगा होता है. क्या लेबल लगा होता है, कॉशन. सो कॉशन लेबल उस पर लगा होता है कि ये ड्रग्स सिर्फ आप मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही ले सकते हैं, जैसे कि हमारे एंटी कैंसरस ड्रग हो गए, साइकोटिक ड्रग्स हो गए, सो ये सभी ड्रग्स, इंसुलिन हो गए, सो ये ड्रग्स हमारे शेड्यूल जी में आते हैं. नेक्स्ट इज शेड्यूल एच. सो शेड्यूल एच में कौन से ड्रग्स आएंगे, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट शुड बी सोल्ड बाई रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. सो जो प्रिस्क्रिप्शन हमें आरएमपी देगा, जो दवाइयाँ हमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख के देगा, तभी हमें वो कोई भी फार्मेसी शॉप से मिलेंगी. अगर हम किसी रिटेलर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने और अगर आरएमपी की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो दवाई नहीं लिखी होगी, तो हमें वो मेडिसिन नहीं मिलेगी. सो ये ड्रग्स जो सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही हमें प्रिस्क्राइब कर सकता है, तभी हमें मिलती हैं वो रिटेलर से, वो आती है शेड्यूल एच के अंडर. सो इसके साथ हमें जो सिंबल लिखा होता है वो लिखा होता है आरएक्स. सो आरएक्स क्या है, प्रिस्क्रिप्शन जो कि हमें आरएमपी ने दी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ये प्रिस्क्रिप्शन दी है, सो उसके लिए आरएक्स साइन होता है, तभी हमें शेड्यूल एच ड्रग्स मिलती हैं. इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं, बारबिट्यूरेट्स आते हैं, एटेनोलोल, एसाइक्लोविर, सो ये सभी ड्रग्स हमें सिर्फ
जो आरएमपी की प्रिस्क्रिप्शन है उसी पर मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम खुद से ड्रग्स लेने जाएंगे तो हमें नहीं मिलेंगे रिटेलर से, वो आती है शेड्यूल एच में। नेक्स्ट हमारा आता है शेड्यूल जे। सो शेड्यूल जे में वो ड्रग्स आते हैं जिन डिसीज का कोई क्योर नहीं होता। सो जो ड्रग्स हम उन डिसीजेस के लिए लेते हैं जिनका कोई क्योर नहीं होता, प्रिवेंशन नहीं होता, सो वो ड्रग्स इसमें आती हैं। डिसीजेस विच अ ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मेक क्लेम्स लाइक दिस। सो जो ड्रग किसी डिसीज को प्रिवेंट नहीं कर सकती, क्योर नहीं कर सकती, ना ही वो ड्रग ये क्लेम कर सकती है कि हम ये डिसीज को प्रिवेंट कर देंगे, इस डिसीज से, ये ड्रग लेने से ये डिसीज क्योर हो जाती है। सो वो ड्रग्स शेड्यूल जे में आती हैं। ये डिसीजेस कैसे हैं, जैसे कैंसर हो गया, हमारा एड्स हो गया। सो एड्स, कैंसर, ऐसी डिसीजेस जिनका कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है, सो इन डिसीज के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो आती हैं शेड्यूल जे में। नेक्स्ट इज शेड्यूल के। सो शेड्यूल के में क्या आता है, ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग्स। सो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन से एग्जेम्प्टेड है, फ्री हैं। सो शेड्यूल डी में हमने पढ़ा था कुछ ड्रग्स की इम्पोर्टेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है इम्पोर्टेशन के लिए। ऐसे ही शेड्यूल के में कुछ ड्रग्स जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्जेम्प्टेड है, वो मैन्युफैक्चरिंग जो है कुछ ड्रग्स की, वो रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री हैं। सो दीज आर ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं जो कि इजीली जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब कर देता है, जैसे कि पैरासिटामोल हो गया, कुछ एनाल्जेसिक बाम जो हम लेते हैं, पेन किलर बाम्स हो गई, सो वो इस शेड्यूल में आती हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल एम। सो शेड्यूल एम क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री premises। सो किसी फैक्ट्री को बनाने के लिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के जो भी फैक्ट्री premises हैं उसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि लोकेशन क्या होगी, सराउंडिंग क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, सो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आती हैं शेड्यूल एम में। देन हमारा आता है शेड्यूल एस। शेड्यूल एस में क्या आता है, ये आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक। सो कॉस्मेटिक्स के लिए जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो कि किसके अंडर आते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंडर, वो आते हैं शेड्यूल एस में। देन आता है शेड्यूल टी। शेड्यूल टी में क्या आता है, कंटेन वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट्स। सो आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या रॉ मटेरियल होगा इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट्स की, और जो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो आता है शेड्यूल टी में। देन हमारा आता है शेड्यूल यू। शेड्यूल यू में आता है वेरियस रेगुलेशन रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। सो कोई भी ड्रग हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमें रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, एंड एटलीस्ट 5 years के लिए ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उसके लिए जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आती है हमारी शेड्यूल यू में। देन हमारा आता है शेड्यूल वी। शेड्यूल वी में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। सो पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होती है, जो भी ब्रांड मेडिसिन होती हैं या ट्रेड मेडिसिन होती हैं, जो कि किसी कंपनी का कॉपीराइट होता है, उस पर कंपनी की बनाई हुई होती हैं, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती है कंपनी की ये मेडिसिन, और कंपनी का इन पर कॉपीराइट होता है। तो इन प्रोप्राइटरी और पेटेंट मेडिसिन के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो आते हैं शेड्यूल वी में। नेक्स्ट है शेड्यूल एक्स। सो शेड्यूल एक्स में वो ड्रग्स आते हैं जो कि नार्कोटिक्स और साइकोट्रॉफिक ड्रग्स होते हैं। सो नार्कोटिक्स और साइकोट्रॉफिक ड्रग्स के लिए जो भी रूल्स, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो आती हैं शेड्यूल एक्स में। और इन ड्रग्स को ऐसे ही सोल्ड नहीं किया जा सकता, इनको सेल करने के लिए कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। सो इन ड्रग्स पर लिखा होता है वार्निंग टू बी सोल्ड अंडर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो आरएमपी की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलते हैं, एंड जो भी इन ड्रग्स को सेल कर रहा है उसके पास ऑथराइज लाइसेंस होना चाहिए। सो शेड्यूल एक्स के अंदर आते हैं नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉफिक ड्रग्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट है शेड्यूल वाई। सो शेड्यूल वाई में क्या आता है, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। सो जो भी न्यू ड्रग्स बनती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर वो इम्पोर्ट होती हैं, सो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की जाती हैं।
कोई भी न्यू ड्रग बनता है तो उसके लिए ट्रायल्स की जाती हैं, एंड इन न्यू ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, इंपोर्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस हैं वो आती हैं शेड्यूल वाई में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोज ऑफ फार्माकोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।